उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, जहां कुछ लोगों ने भारत को जाति और धर्म के आधार पर बांटा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति पर ध्यान दिया। योगी आदित्यनाथ ने 8,754 करोड़ की लागत वाली 2,042 परियोजनाओं का लोकार्पण में शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई, आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए कहा, हम विकास पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वही पाकिस्तान भोजन के लिए संघर्ष कर रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट 8,700 रुपए के आसपास होगा, जबकि हम इस धनराशि की नगर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे। सरकार गरीबों को निःशुल्क आवास, शौचालय, 5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा दे रही। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन लाती है। पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पर रोटी के लाले पड़े। उन्होंने कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश को अब महामारी के दौरान शुरू हुई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साल 1918 के स्पैनिश फ्लू के एक स्पष्ट संदर्भ में आदित्यनाथ ने कहा, इस तरह की महामारी 100 साल पहले भी आ चुकी, जिस वक्त लोग न सिर्फ महामारी से बल्कि भूखे भी मर रहे थे। उन्होंने कहा, कोविड महामारी के दौरान देश के इतिहास में पहली बार मुफ्त टीकाकरण, जांच, राशन सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई गई। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे एक सफल मॉडल के रूप में वर्णित करते हुए, जिसके विश्व स्तर पर प्रशंसा की जा रही थी, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, उन सभी की आंखें खोलने का काम करेगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत को जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभाजित किया और झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था, जिसमें से 10 प्रदेश के थे। वहां युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है।